स्टार्ट स्टार्टेड। तो कल एक्चुअली खुशी ने यहाँ पे छोड़ा था कि ग्रेट रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड बाय कोल्ड पैसिव अनरिस्पॉन्सिव सोल्जर्स. दे डोंट गो वेरी फार एंड दे स्टॉप एज सून एज दे कैन. लीडरशिप नॉट ओनली डिमांड्स बट रिसीव्स अ विलिंग अनहेजिटेटिंग अनफाल्टरिंग ओबीडियंस एंड लॉयल्टी ऑफ अदर मेन एंड अ डिवोशन दैट विल कॉज देम When the time comes to follow their uncrowned king to hell and back again, if necessary. It was actually so nice. Kushi ji ne ye chapter lead kiya, and she could give the examples of from her husband's life, who is captain. It really हम देखते हैं कि they dedicate them their lives or follow the command. That's it. Command है तो उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों, क्या, why, all that. So that kind of obedience and loyalty, that's what is needed. वही वो बता रहा है कि ग्रेट रिजल्ट्स आर नॉट अचीव बाय कोल्ड पैसिव और अनरेस्पॉन्सिव सोल्जर. और रेस्पॉन्स भी चाहिए, तभी आप उसके ग्रेट रिजल्ट देखेंगे. यू विल आस्क योर सेल्फ ऑफ वॉट ऑफ जस्ट वॉट देन डस लीडरशिप कंसिस्ट. वॉट मस्ट आई डू टू बिकम अ लीडर? वॉट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप एंड हाउ कैन आई कल्टिवेट देम? यहाँ पे लीडर एट्रीब्यूट्स छाया जी है क्या? नहीं है, बट उनके लिए मैं बोलती हूँ. एट्रीब्यूट्स माने जो गुण, राय, शारदा, शिवानी, जो जो गुण चाहिए एक लीड करने के लिए. तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स जो क्या चाहिए एक अच्छे लीडर बनने के लिए. लीडरशिप इज, यहाँ बोल रहे हैं कि लीडरशिप इज अ कंपोजिट ऑफ अ नंबर ऑफ क्वालिटीज. एक नहीं, बहुत सारे गुण चाहिए एक अच्छे लीडर बनने के लिए. लीडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जस्ट एज सक्सेस इज द कंपोजिट ऑफ द 15 फैक्टर्स आउट ऑफ विच दिस रीडिंग कोर्स वॉज बिल्ड, अमंग द मोस्ट हिंदी इम्पोर्टेंट में आई लीडर को मुखिया टाइप, मुखिया जैसे लीड मुखिया. ओके करने राइट, मुखिया में लीडर इज अ कंपोजिट ऑफ अ नंबर ऑफ क्वालिटीज. जस्ट एज सक्सेस इज कंपोजिट ऑफ द 15 फैक्टर्स आउट ऑफ विच दिस रीडिंग कोर्स वॉज बिल्ट, अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वुड लिस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो बहुत सारे गुण हैं और सबसे पहला है कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉरल असेंडेंसी, मतलब अपना एक एथिक्स होना चाहिए कि मतलब एक फॉलो की भी अगर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको दी गई हुई है तो उसको निभाने की वो आस्था भी होनी चाहिए, मॉरल एसेंडेंसी, सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद को न्यौछावर कर सके वो, पैटर्नलिज्म, एक पितृ भाव, क्योंकि जब आप फादर बनते हैं ना, वे जैसे फादर ऑफ द नेशन, ये जो कोई फादर होता है वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करेगा, खुद मतलब भूखा रह जाएगा सब, बट वो ही टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली कि उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, उनका सब ठीक रहे. वैसे पेटर्नलिज्म, फादरनेस, फेयरनेस, सही जो है एक सही दिशा या सही चीज जो, और जो जस्टिफाइड है, इनिशिएटिव,
से थोड़ी बुलंदी लेना है, खुद ही को इनिशिएटिव इज लाइक बुलंदी, राइट? एम आई राइट प्रीति जी? नहीं, पहल इनिशिएट लेना ना, बुलंदी पहल, नहीं, हाँ हाँ इनिशिएटिव लेना, हाँ क्या इनिशिएट, पहल हिंदी में क्या लेना, बोलते हैं? बुलंदी मीन्स लाइक क्लाइंबिंग अप, लाइक शिखर पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके. व्हाट डू यू से इनिशिएटिव हिंदी में? जैसे इनिशिएट मतलब पहला कदम, पहल लेना, पहल कहते हैं ना, पहल, पहला ओके, स्टेप, हाँ पहल, इनिश, राइट। अगवाही करना, पहल करना, ऐसे. और डिसीजन, डिग्निटी एंड करेज. तो ओह माय गॉड, माय हिंदी इज सो बैड. डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना. निर्णय लेना है, हाँ. और डिग्निटी, डिग्निटी, एक गौरव, गरिमा बोलो, गरिमा, हाँ गरिमा में हाँ जॉइन गरिमा करके चलना, गरिमा, करेज, में. और करेज इज साहस. साहस. या थैंक क्योरी, यू. साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये सारे गुण चाहिए एक अच्छे लीडर के लिए. बट सबसे पहला गुण है कि आत्मविश्वास. जब हम में आत्मविश्वास होगा तभी हम लीड कर पाएंगे. कि पहले मैं लाइक खुद, इसीलिए ना मैडम हमको मिरर वर्क करवाती थी पहले, जब उन्होंने सेशन जब शुरू किया मिरर वर्क से. क्योंकि सबसे पहले खुद, अगर मैं सुन भी रही हूँ, पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि फिर बोलते हैं ना, खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है. तो वो एक, जब खुद में एक्चुअली वो आत्मविश्वास नहीं आएगा, जब तक हम दृढ़ता से नहीं टिक पाएंगे, तो हम दूसरों को क्या ये देंगे. वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स फर्स्ट फ्रॉम एग्जैक्ट नॉलेज, सेकंड द एबिलिटी टू इम्पार्ट द नॉलेज, तो सबसे पहले सही ज्ञान होना जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए. अगर ज्ञान नहीं है आपके पास, तो फिर आप में वो डेफिनेटली, जैसे जो नॉलेज पर्सन है, जब वो बात करते हैं एकदम ऐसा लगता है क्या कूल है. और जिसके पास जैसे नॉलेज नहीं, जैसे मेरे पास नॉलेज नहीं, तो मैं आज थोड़ी ये आई एम जस्ट काइंड ऑफ लिटिल बिट ये क्या हो रहा है काइंड ऑफ. तो नॉलेज होने से डेफिनेटली यू फील बेटर. सेकंड द एबिलिटी टू इम्पार्ट द नॉलेज. और दूसरा ये है कि शेयरिंग होनी चाहिए, कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं औरों को भी दे सकूं. एंड थर्ड, द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ओवर अदर्स दैट नेचुरली फॉलोज. तो ये एक कॉन्फिडेंस आए कि मेरे में ये कुवत है कि मैं दूसरों को लीड कर सकूं, मुझे पता है ये रास्ता और ये रास्ता सही है और आप लोग मुझे फॉलो करो. ऐसे मतलब एक सुपीरियर, एक वो कॉन्फिडेंस नॉलेज और दोनों के साथ ही आता है. सुपीरियरिटी ऐसे नहीं आता. कुछ कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि उनको उनको पता नहीं है, पर फिर भी एक मराठी में कहावत है, खोटा फोन बन रेठून बोल करके. शारदा, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस. मतलब सही गलत चीज बोल, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि मतलब लोग सोचे कि ओ तुम्हें सब पता है वैसे. बट नॉट, दैट इज नॉट अ ट्रू लीडर. ट्रू लीडर इज हु हैज अ राइट नॉलेज एंड हु नोज दे कैन लीड, वो सुपीरियर. सो ऑल दिस गिव द ऑफिसर पॉइस टू लीड. यू मस्ट नो, यू मे ब्लफ ऑल योर मैन सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट डू ऑल द टाइम. वही कि अगर मैं ऐसे तुक्का मारूंगी, शायद पहली बार या दूसरी बार लोग
मानेंगे, उसको बिलीव करेंगे, पर कुछ ही समय में उनको पता चल जाएगा इसको कुछ आता नहीं है, ऐसे ही डिंगे मार रहा है। मैन विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन एन ऑफिसर अनलेस ही नोज हिज बिजनेस एंड ही मस्ट नो इट फ्रॉम द ग्राउंड अप। और ऐसे हम लोगों ने ऑफिस में देखा है, मतलब हमारे सुपरवाइजर होते हैं कोई, पर हमको पता है कि लाइक अगर कुछ चल रहा है तो एक एक बंदा जो एक पोजीशन पे है, एंड ऑफ कोर्स उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सबॉर्डिनेट इज मोर स्ट्रॉन्ग, उनकी नॉलेज ज्यादा है, वो हर चीज उनको उपलब्ध करते हैं सबॉर्डिनेट्स। कभी कभी ऐसा होता है, और लाइक यू नो आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हो कि जो बंदा जो हाई पोजीशन पे है कभी कभी उसमें वो कोर, तो फिर ना हम उनको नहीं फॉलो करके जिस बंदे के पास ज्यादा नॉलेज है हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं, और जो बंदा ओपन है वो ही इज रेडी टू शेयर और आपको हेल्प करने की जिसमें ये है। और देखिए अभी मुझे हेल्प करना तो मुझे बहुत पसंद, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो यही वो बता रहे हैं कि लीडर बनने के लिए ये सारी क्वालिटीज चाहिए। पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं लीड कर सकता हूँ, और सही ज्ञान चाहिए, और शेयर करने की भी भावना होनी चाहिए। तो वो ही बता रहे हैं कि कुछ लोग के पास अगर नॉलेज नहीं है, और वो अगर मैं बता भी दूं कि हाँ आज मैं लीड कर रही हूँ और मुझे सब पता है, और कुछ समय तक आप लोग सुनोगे, बट अगर इफ आई एम नॉट एबल टू कमांड वेल देन दैट लीडरशिप विल नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मतलब उन उन सैनिक को भी ऐसा होता है, लाइक यू नो यू विल सी दैट द वे द ब्रिगेडियर और कैप्टन, द वे दे टॉक एंड द वे दे लीड इन एनीथिंग, वेदर इट इज अ शिप, वेदर इट इज अ कंपनी, लाइक इन माई ऑफिस आई डू सी दैट माई द टॉप बॉस इज देयर, बट ही इज ऑलवेज आस्किंग समवन एल्स हु इज अ सुपरवाइजर। तो हम लोग सब बोलते हैं ये डमी बॉस है करके ऐसे। द ऑफिस शुड नो मोर अबाउट पेपर वर्क देन हिज फर्स्ट सर्जेंट एंड कंपनी क्लर्क पुट टुगेदर। मतलब ये नहीं कि मैं जैसे मैं मैनेजर हूँ और मेरे नीचे चार मुलाजिम है, तो ये नहीं कि उसका काम अकाउंटिंग का है और इसका काम सारे पेपर वर्क लॉ का है, तो मुझे जब चाहिए मैं बुलाऊंगी शिवानी बताओ ये क्या है। और मुझे भी वो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से लॉ पास हुए हैं, कब हुए हैं, कहाँ है, और अकाउंटिंग में क्या खाता चल रहा है, कहाँ है हमारा फाइनेंस, ये वो मुझे भी पता होना चाहिए कि अगर वो कोई भी पेपर ये करे तो ये नहीं कि मैं उसको मान लूँ, मेरे दिमाग में वो हर चीज जो भी होता है कंप्लीट अफेयर्स ऑफ द ऑफिस उसका हर चीज की, ये नहीं कि ये इन लोग के पास है दे आर द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट और मैं उनसे पूछ लूंगी तो जो भी है सो है, ऐसा नहीं। वही बता रहे ही शुड नो मोर अबाउट मेसिंग देन हिज मेस सर्जन, और उसको ये खामियां भी पता होनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या चीज मिसिंग है या क्या वहां पे मसला चल रहा है, वो उस डिपार्टमेंट के हेड से ज्यादा उसको ज्ञान होना चाहिए। मोर अबाउट डिजीजेस ऑफ द हॉर्स देन हिज ट्रू फेलियर, ही शुड बी एटलीस्ट एज गुड अ शॉट एज एनी मैन इन हिज कंपनी। मतलब उसको आप कोई भी रोल में डालो तो उस रोल को वो लेके लीड कर सके, कि ऐसा नहीं कि हो शिवानी नहीं आई अभी इस लॉ का, ये नहीं कि वो आज नहीं आई
आप कल आइए और वो जब आएगी तो मैं उनको पूछ के बताऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू, जब कोई भी अगर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उस बंदे की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इंक्वायरी आई तो आई शुड बी एबल टू गिव द नॉलेज और आंसर। इफ द ऑफिसर डज नॉट नो एंड डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट दैट ही डज नॉट नो, इट इज एंटायरली ह्यूमन फॉर द सोल्जर टू से टू हिमसेल्फ हेल विद हिम। ये वाला ही डजंट नो एज मच अबाउट दिस एज आई डू एंड कामली डिसरिगार्ड द इंस्ट्रक्शन रिसीव। और होता है ऐसे, जब आपका लीडर स्ट्रांग नहीं है ना तो ठीक है यार, उस ही अब, और इट हैपेंस लाइक द प्रीवियस लीडरशिप जो थे, तो ही वाज ऑलवेज इन द ऑफिस, ही ऑलवेज हैड हिज डोर ओपन एंड ही वाज वेरी ओपन एंड ही उनका एक ऐसा था कि कोई भी चीज मेरे पास आएगी तो 72 आवर्स में मैं उसको रेस्पॉन्ड करूंगा, वॉट एवर इट इज, पता हो या नहीं हो, एंड ही विल टेक एक्शन ऑन दैट। तो अभी जो हमारे जो बॉस है तो बड़े लेड बैक टाइप ऑफ, तो कभी मैंने 3 दिन जाने दो, 3 हफ्ते तक भी कभी कभी रेस्पॉन्स नहीं आता, तो उनके साथ रह के फिर हमारा भी काम करने का तरीका वो वैसा ही हो जाता। तो ये जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो बता रहे हैं कि एक सैनिक भी सोचेगा यार इस खुद को पता नहीं है ये क्या मुझे लीड करेगा। देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्यूरेट नॉलेज, तो इसीलिए यहाँ पर मतलब जो वेदर इट इज पॉलिटिशियन कमांडर एंड चीफ और जो भी हो, उनके पास अब नॉलेज नहीं है तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं। जैसे लल्लू प्रसाद यादव है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत था, यू नो वी आर जस्ट टेकिंग वन लीडर एग्जाम्पल, तो लल्लू प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस वॉज ट्रमेंडस। मे बी यू नो इवन अब्दुल कलाम आजाद हु हैड अ नॉलेज बट डिड नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट नॉलेज वाइज लल्लू प्रसाद डिड नॉट हैव इट। सो उनकी लीडरशिप भी बहुत दूर तक नहीं दे पाई, दैट इज वन ऑफ द थिंग। ओके आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम आजाद हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड मे बी द कॉन्फिडेंस इन हिज फील्ड टू, बट मे बी ही डिड नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस एज मे बी एज अ प्राइम मिनिस्टर टू लीड द कंट्री। में भी नॉलेज वाइज हिज नॉलेज वॉज ट्रमेंडस, तो ये सब चीजें होनी चाहिए देन यू कैन लीड द कंट्री। और आपको इतना होना चाहिए कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं इस इंफॉर्मेशन को हासिल करके, मतलब उसको रिटेन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, तो बाय बर्थ ही डिड नॉट हैव, आई मीन नॉट बाय बर्थ बट बाय लाइक डिग्रीज इफ यू देखे जाए तो उनके पास कोई इतनी हाई फाई डिग्रीज ऐसी नहीं है जैसे पहले मनमोहन सिंह के पास थी या एबीजे, बट उनका एक कॉन्फिडेंस और उनकी एक देशभक्ति जो है कि मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मैं देशवासियों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं हर एक देशवासी को वो सोचते हैं, और ही हैज अ प्लान बिकॉज ही हैज अ गोल, अगेन इट इज नॉट फॉर हिम इट इज फॉर हिज कंट्री मैन। तो तुम वो एक्चुअली उनकी लीडरशिप में तुम देखते हो, डेफिनेटली ही हैज पुट इंडिया, नो वन हैज पुट इंडिया इन द ग्लोबल द वे मोदी हैज पुट इंडिया, उनकी मार्केटिंग, क्योंकि वेयर इज इट इज कमिंग फ्रॉम, देशवासी तो पहले भी वही थे अभी भी वही है, बट ही इज टेकिंग दैट पिक्चर ऑफ हिज कंट्री एंड पुटिंग इट शोकेसिंग इट आउटसाइड।
एंड ही इज कोलैबोरेटिंग. उनको खुद में पहले कॉन्फिडेंस है, फिर उनके देशवासियों में कॉन्फिडेंस है, तभी जाके वो जब बाहर देश में जब जाते हैं, ही सेज आई हैव दिस टू ऑफर यू. यू नो ही इज एबल टू नेगोशिएट, ही इज एबल टू डिमांड बिकॉज ही हैज अ नॉलेज कि मेरे देश में कितना धन है, मतलब इन काइंड्स ऑफ सर्विस, इन काइंड्स ऑफ वेल्थ, आई मीन वेल्थ नॉट जस्ट इन केस ऑफ मनी बट इन सर्विस, नॉलेज एंड ऑल दैट. वो एक उनको नॉलेज है, तभी दे ही इज एबल टू लीड एंड ही इज एबल टू गेट द बेस्ट थिंग्स फॉर द कंट्री. बिकम सो वेल इन्फॉर्म दैट मेन विल हंट यू टू अप टू आस्क क्वेश्चंस दैट यू ब्रदर ऑफिसर्स विल से टू वन अनदर, Ask me, he knows, और ऐसा होता है. घर में भी हम देखते हैं कि भले ही कभी द फादर इज द ब्रेड मेकर ऑफ द फैमिली, बट वेन इट कम्स टू मैनेजिंग इट बिकम्स द मदर हु इज अ होम मैनेजर हु नोज मच बेटर टू हैंडल रिलेशनशिप, किसको क्या देना है, कौन कब आ रहा है, उसका कैसे सब, सो जस्ट जस्ट अपने आप को निछावर कर दीजिए. कोई भी आपको काम सौंपे तो उसके डेप्थ में जाके उसको, उसका पूरा ट्रू नॉलेज, उसका रूट कॉज, कोई प्रॉब्लम है तो उसकी डेप्थ में जाके, टाइम लगेगा बट आप उसको डीप में जाके उसका सार निकालो और फिर उस खुद को डुबा दो उस चीज में, कोई भी चीज में. डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस टू मच स्ट्रॉन्गर इन अ वे. यू यू विल डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्गर टू लीड, टू फिक्स अ प्रॉब्लम एंड टू शेयर ऑल्सो. एंड नॉट ओनली शुड ईच ऑफिसर नो थरोली द ड्यूटीज ऑफ हिज ओन ग्रेड बट He should study those of the two grades next above him. तो ये नहीं कि मैं जहाँ हूँ और मेरे नीचे जो है, मैं उनकी नॉलेज, मेरे ऊपर से दो जो पोजीशन है, मुझे उनका भी कभी कभी अगर वो नहीं रह पाए कि ये नहीं, ओ ओ अलीफिया जी नहीं है तो पता नहीं हम ये सेशन कैसे करेंगे. वी कांट लीव, मतलब तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है कोई भी चीज में. तो यू शुड हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ टू पोजिशंस, मतलब वो बोले नॉट वन पोजिशन अबाउ यू बट टू पोजिशंस ऑल्सो. तो कभी भी जब तुम काम करते हो, कान आंख नॉलेज के लिए, मतलब पूरे सेंसेस आप ओपन रखो कि आप जो काम कर रहे हो वो तो करो ही, लेकिन बी ओपन टू द ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड. एंड डेफिनेटली इफ यू शो इंटरेस्ट, कभी कभी आपके ऊपर जो अधिकारी होते हैं देन दे आर ऑल्सो रेडी टू शेयर. और आपको अगर कभी ऐसा लगे कि से दे आर गोइंग ऑन वेकेशन और समथिंग, तो यू टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न वॉट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देम एंड वॉट इज द नॉलेज रिक्वायर्ड टू जस्ट शैडो द पर्सन, मतलब उनका जो काम रुक ना जाए, तो उसके लिए मुझे जो भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे के सीखना पड़े तो मैं वो सीखूं. वही बता रहे हैं, नॉट ओनली मस्ट द ऑफिसर नो बट ही मस्ट बी एबल टू पुट वॉट ही नोज इन टू ग्रामेटिकल इंटरेस्टिंग फोर्सफुल इंग्लिश. ही मस्ट लर्न टू स्टैंड ऑन हिज फीट एंड स्पीक विद एम्बरेसमेंट, विदाउट एम्बरेसमेंट. मतलब अभी आप मेरे को देख रहे हैं, थोड़ी मैं एम्बरेसमेंट हो रही हूँ. मुझे हिंदी में मैं आई एम गेटिंग स्टक, बट यू शुड, वो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर की
जब उसको उस रोल में बिठा दिया तो ही हैज टू एक्ट लाइक अ लीडर, ही हैज टू पुट इट, मेक इट इंटरेस्टिंग, और उनको नॉलेज भी होनी चाहिए, और बहुत मतलब आप जितने अच्छे, क्योंकि वर्ड्स कैन क्रिएट मैजिक, आपकी शैली कैन मेक पीपल, कैन रिटेन पीपल, और आपके पास नॉलेज है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू पुट अक्रॉस देन यू कांट रिटेन योर वर्कफोर्स और योर ऑडियंस फॉर लॉन्ग टाइम। अगर मैं एक लड़खड़ाऊंगी तो कौन मुझे सुनेगा? आई एम टोल्ड दैट इन ब्रिटिश ट्रेनिंग कैंप स्टूडेंट ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर 10 मिनट टॉक्स ऑन एनी सब्जेक्ट दे चूज। दैट इज एक्सलेंट प्रैक्टिस फॉर टू स्पीक क्लियरली, वन मस्ट थिंक क्लियरली एंड क्लियर। लॉजिकल थिंकिंग एक्सप्रेस इटसेल्फ इन डेफिनेट पॉजिटिव ऑर्डर्स। तो ब्रिटिश कैंप्स या यहाँ पर बॉय स्काउट कैंप, स्काउट के जो कैंप्स होते हैं, तो हर एक बच्चे को वो लोग 10 मिनट हर एक बार अलग अलग टाइम में, हर एक एक अलग अलग बच्चे को वो बोलते हैं अभी तुम लीड करो, अभी 10 मिनट के लिए हर कोई स्टूडेंट आके बात करेगा। तो मुझे पता है मुझे बात करने में बहुत आई हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फियर। जैसे मैं स्टेज पे जाती थी ना तो मेरे काफ मसल्स है ना पैर नीचे, वो ऐसे 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 शेक होते थे। बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मुझे जो एक कॉन्फिडेंस जो आया है वो काम करने से आया। मतलब आई एम नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग, मेरे मुझ में लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, मुझे वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं बट एक अबाउट मी आई एम टेलिंग, सो वन थिंग इज आई वांट टू हेल्प पीपल, तो वो भावना तो है हेल्प पीपल, और नॉलेज के लिए इन डेप्थ जाके उसको पूरा मतलब चबा के खाऊं एक एक, वैसा उतना डेडिकेशन भी नहीं है। तो इसीलिए लाइक आई डोंट ट्राई टू लीड एनी सेशंस और एनीथिंग। मेरे को बहुत बार बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बात करते हो, आप में बहुत ये है, आप करो लीड, मंदिर में भी कभी होता है बट आई सेड नहीं, बिकॉज आई थिंक आई लैक दैट गोल सेटिंग फॉर माई सेल्फ एंड गो पुशिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पर वो सब बच्चे इनिशिएटिव तो लेते नहीं है, तो कैंप में ये लोग करते हैं कि हर बच्चों को आके 10 मिनट बात करना ही करना है, कोई तो इनिशिएटिव लेगा तो वो तो झट से आके वो बात करेगा और उसका कॉन्फिडेंस और आप देखोगे। लेकिन बहुत सारे होते हैं नहीं हम नहीं आएंगे करके, जैसे अलीफिया जी विल आस्क अस, चलो अभी आज तुम लीड करो ग्रेटिट्यूड से। मैं बोले अरे अरे राम ये नहीं आपके जैसे, बट शी ट्राइज टू गिव्स अस चांस एंड टेल्स अस टू कम ओवर। एंड एनी वन ऑफ यू फील फ्री टू इंटरप्ट मी, एंड इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ सो दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ओके प्रीति जी, यू आर मोर देन वेलकम टू कम शारदा शिवानी। If you have a proper example to give, please feel free. While self-confidence is a result of knowing more than your men, moral ascendancy over them is based upon your belief that you are a better man. To gain and maintain this ascendancy, you must have self-control, physical vitality, and endurance and moral force. So, ascendancy means is like in order for people to follow you, मतलब लोग आपको फॉलो करने के लिए एक सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, मतलब एक डिसिप्लिन, मतलब
जैसे अभी मुझे लीड करना है, राइट, तो मैं मुझे टाइम से उठना है, और ऐसे सोते सोते या ऐसे बैठे वो नहीं, लाइक प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल. जब व्हेन आई एम इन अ स्टूडेंट, आई एम अ बैक बेंचर, आई कैन ले डाउन एंड रिलैक्स, बट व्हेन यू आर लीडिंग इट, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल. कि ये नहीं कि फोन आया तो मैं यहाँ देखूं, या किसी ने बुलाया तो. नो, आई एम द कमांडर इन चीफ, माई होल फोकस हैज टू बी ऑन द सब्जेक्ट एंड एंड द स्टूडेंट्स. इफ एनी देर इज अ क्वेश्चन, देर इज अ चैट कमिंग अप एंड ऑल दैट, आई शुड बी एबल टोटली फोकस्ड. सेल्फ कंट्रोल उसके लिए, फिजिकल वाइटैलिटी, और वो भी बहुत जरूरत है. मतलब मेरा लाइक मन है, बट अगर मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा पेट दुख रहा है, या आई एम हैविंग क्रैम्स, और मैं यू कैन सी दैट इट इट विल नॉट बी क्या बोलते हैं, ये दैट सेशन विल नॉट बी स्ट्रांग इनफ अगर मैं खुद फिजिकली फिट नहीं हूं तो. एंड एंड्यूरेंस, एंड्यूरेंस इज क्षमता. ये नहीं कि अगर मुझे सेशन लीड करना है 1.5 घंटे के लिए, तो मैं लाइक 40-50 मिनट्स, 45-50 मिनट्स में ही एकदम थक जाऊं, या फिर मैं बोलते बोलते थोड़ा एक ब्रेक लूं, ऐसा नहीं. एंड्यूरेंस तो एक क्षमता होनी चाहिए, मॉरल फोर्स, और सबसे बड़ा कि मॉरली लाइक एथिकली, कि इस हम ये जो कर रहे हैं इसका गोल क्या है, और वो उसको मैं भली भांति समझूं और उसको डिलीवर कर सकूं. यू मस्ट हैव योर सेल्फ सो वेल इन हैंड दैट इवन दो इन बैटल यू बी स्केर्ड स्टिफ, यू विल नेवर शो फियर. मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अंदर से तो ऐसे हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू शो आई आई कैन डू दिस. तो वही बता रहे हैं कि अगर आपके मन में भी पूरा विश्वास नहीं हो, लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, बैटल फील्ड में, जब आप उस क्षेत्र में हैं, तो आप बस बुलंदी के साथ आप मर मिटने को तैयार रहो. फॉर इफ बाई सो मच एज अ हरीड मूवमेंट और अ ट्रम्बलिंग ऑफ द हैंड्स और अ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन और अ हैस्टी ऑर्डर हैस्टीली रिवोक, यू इंडिकेट योर मेंटल कंडीशन, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर मैन इन अ फार ग्रेटर डिग्री. एंड दैट इज ट्रू. अगर जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर मेक स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और आप आपका मेंटल कंडीशन जैसा है, इट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मैन ऑल्सो. जैसे अगर डेफिनेटली आई कांट पुट प्रॉपर, डू यू गाइस हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ आई एम थिंकिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल हिटलर, आई एम पुटिंग अ बैड एग्जाम्पल, बट हिटलर का एक ही वॉज अ लीडिंग, राइट, उनका ऐसा था कि बस आई वॉन्ट टू टेक ओवर कंट्री. तो उन उनका ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड ऑन दैट पार्ट, एंड ही वॉज वेरी लाइक कमांडर इन चीफ, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही न्यू, ही हैड अ नॉलेज उसको एक एक बंदे को कैसे कैप्चर करना है, फिर बाद में कंट्री को, ही हैड अ कंप्लीट प्लान. और उसने अपनी लीडरशिप लाइक आर्मी पे डाल के ही डिड अचीव दैट गोल. बहुत सारी कंट्रीज को उसने ही टुक ओवर देम.
But that's what is telling that your mental condition will be reflected on your men in a far and greater degree. तो ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा जो जर्मन सोल्जर था वो ही वॉज रूड, बट दे वर जस्ट फॉलोइंग द कमांड एंड कमांडर इन चीफ, और वो भी वैसा ही सोच, उनकी सोच वैसी, उन्होंने वैसी सोच बनाई, चाहे वो दिल से उस बात को 100% राजी हो या ना हो, बट दे वर जस्ट डूइंग इट एंड दे वर एक्टिंग लाइक द हिम. इन गैरिसन और कैंप मेनी इंस्टेंसेस विल अराइज टू ट्राई योर टेम्पर एंड ब्रेक द स्वीटनेस ऑफ योर डिस्पोजिशन. इफ एट सच टाइम्स यू फ्लाई ऑफ द हैंडल, यू हैव नो बिजनेस टू बी इन चार्ज ऑफ मैन. फॉर मैन इन एंगर से एंड डू थिंग्स दैट दे ऑलमोस्ट इनवेरियबली रिग्रेट आफ्टर वर्क. अगर सबसे पहली बात, जो भी लीडर होता है ना, उसको बहुत समता भाव रखना पड़ता है. अगर वो शॉर्ट टेम्पर हो गया तो डर, तुम एक तो डर क्रिएट कर रहे हो अपने ग्रुप में, और मेन फॉलो तो करेंगे लेकिन पूरे दिल से नहीं, और हो सकता है वो कभी ना कभी रिग्रेट, नहीं हो सकता नहीं, रिग्रेट होएगा ही, क्योंकि जब आप टेम्पर से कुछ करते हो तो उसका आखिरी अंजाम कभी भी सही नहीं निकलेगा. और आप वही आप समता भाव से लीड करो, और आप शांति, एंड यू ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स एंड द डिस्ट्रक्शन. एंड यहाँ पे मैं आपको दो लीडरशिप की ये देती हूँ. सो हिटलर, उसमें टेम्परमेंट था, लोग डरते थे वहां पे. अगर आप उसकी लीडरशिप देखोगे, 100% सब लोग फॉलो करते थे. हाँ हिटलर, यू नो, एंड देन इतना डर था क्योंकि ही यूज टू लिटरली चॉप ऑफ द हेड्स ऑफ द मेन. इतना टेम्पर था कि ये मेरी नहीं सुनेगा तो इसको ये. बट देन यू सी वेयर दैट लीडरशिप वेंट, व्हाट हैपेंड टू हिम. He had a lot of regret afterwards for whatever he did. He was successful in what he had a goal, but because of his temper, he committed suicide. And on the other hand, we have Gandhiji, who had a knowledge and who followed the path of non-violence, and he led the country, and he did achieve what people were thinking is impossible. बिना स्वॉर्ड के, बिना मतलब फाइट किए हुए, फाइट इन द सेंस ही फॉट विद द माइंड विदाउट एनी ब्लडशेड. वो बोले मैं नॉन वायलेंस से आजादी लूंगा, और उन्होंने लीड किया, वो खुद भी जेल गए. बट he and he saw a lot of men had to take injustice, unfair treatment and all that, but वो बोले नहीं, हम हाथ नहीं उठाएंगे. एक गाल दिया है तो दूसरा गाल दो. उस बंदे को रिग्रेट होना चाहिए, ठीक है, वो गुस्से में हो रहा है, हमको रिएक्ट नहीं करना है. वो समता भाव उन्होंने जो से लीड किया, यू नो, ही इज बीन टॉक बाई all the world leaders. He's been remembered even today. Of course, you remember Hitler for one extreme type of leadership, and then Gandhiji on the other extreme type of leadership, and then other great leaders show, like for in example, in our country, there are like, you know, we have Trump as a president, and he sometimes uses a foul language. तो हम लोग को खुद को ये ऐसा बोलता है किसी और का, ये कोई प्रेसिडेंट के आचार विचार दिखते हैं क्या इसके,
सो एंड देन वी हैड लाइक ओबामा और बिल क्लिंटन हु आर वेरी रेस्पेक्टफुल फॉर हु एवर इट इज, उनकी उनके चलन में, उनकी बातों में, हर जगह ऑलवेज यू विल सी दे रेस्पेक्ट, दे लिसन, देन दे हैव द नॉलेज टू. सो बट दे आर ऑलवेज काम, मे बी ओनली एट द वेरी क्लोज एंड दे विल नो देयर टेम्परमेंट, बट दे विल नेवर शो इट अवे. देन इट्स इजी फॉर पीपल टू फॉलो. एंड सो आई विल फिनिश इट हियर. नहीं, अभी और 1 मिनट है. सो एन ऑफिसर शुड नेवर अपोलोजाइज टू हिज मैन. ऑल्सो एन ऑफिसर शुड नेवर बी गिल्टी ऑफ एन एक्ट फॉर विच हिज सेंस ऑफ जस्टिस टेल्स हिम ही शुड अपोलोजाइज. यहाँ ओ सॉरी आई मिस दैट बिफोर पैराग्राफ. इन गैरिसन और कैंप मेनी इंस्टेंसेस विल अराइज टू ट्राई योर टेम्पर एंड ब्रेक द स्वीटनेस ऑफ योर डिस्पोजिशन. इफ एट सच टाइम्स यू फ्लाई ऑफ द हैंडल, यू हैव नो बिजनेस टू बी इन चार्ज ऑफ मैन. फॉर मैन इन एंगर से एंड डू थिंग्स दैट दे ऑलमोस्ट इनवेरिएबली रिग्रेट आफ्टर. ओ आई रेड दिस. एंड सो यही बोल रहे हैं कि तुम जब उस पोजिशन में आओ, यू बी वेरी वेल अवेयर वॉट इज इट ऑल नीडेड टू लीड, और यहाँ पे गलती नहीं हो सकती. यू हैव देर कैन नॉट बी एरर इन लीडिंग, मीन्स तुम्हारी एक गलत डिसीजन, तुम्हारा एक गलत ज्ञान टोटली कैन पुट देम इनटू समथिंग. बट नो मैटर व्हाट, यू यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी हार हो या जीत हो, यू स्टैंड फॉर इट एंड वॉट एवर इट इज यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी बट यू डोंट अपोलोजाइज टू मैन. अगर मैं बोलूंगी मतलब मेरे बच्चे हैं, उनको मुझे कहीं लेके जाना है, और मैं उनको बोलूंगी सॉरी मुझे ना ये रास्ता पता नहीं है, पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे स्कूल, तो क्या होगा? बच्चे नेक्स्ट टाइम मेरे को वो बोलेंगे नहीं मम्मी हम आप बाजू वालों को पूछेंगे या किसी और को पूछेंगे, या यू नो. सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि गलती हुई है, बट उसके लिए जो भी जुगाड़ करना पड़े, एंड बट खुद को अगर हम गिल्ट करेंगे देन आई कैन नॉट लीड कि मेरे से ये गलती हुई और मैं आई मीन उसका एहसास होना चाहिए, बट आई कैन नॉट डू एन एक्ट ऑफ गिल्टी, बिकॉज वो क्या होगा उस दे उनको भी तोड़ देगा वो पूरी तरह से, उनमें जो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है वो सब है वो भी टूट जाएगा इफ आई शो गिल्टी, इफ आई अपोलोजाइज. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट रूल ऑफ बीइंग अ लीडर बता रहे. एंड अनदर एलिमेंट इन गेनिंग मॉरल एसेंडेंसी लाइज इन द पोजिशन ऑफ इनफ फिजिकल वाइटालिटी एंड एंड्योरेंस टू विदस्टैंड द हार्डशिप टू विच यू एंड योर मेन आर सब्जेक्टेड एंड द डॉन्टलेस स्पिरिट दैट एनेबल्स यू नॉट ओनली टू एक्सेप्ट देम चीयरफुली बट टू मिनिमाइज देयर मैग्निट्यूड. सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक मॉरल एक फॉलो करने के लिए सबसे पहले खुद में ही आप में इतनी फिजिकल वाइटालिटी होनी चाहिए कि जैसे कोई भी लीडर होता है एक्चुअली लाइक मोदी जी इज नोन दैट ही वर्क्स 12 to 16 आवर्स अ डे लिटरली, वो 4-5 घंटे के लिए ही सोते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, इवन एलोन मस्क जो टेस्ला के सीईओ, ही इज नोन टू वर्क 12 to 16 आवर्स. तो जब वो लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स सन वर्क्ड विथ हिम, ही गॉट इनटू टेस्ला सून आफ्टर हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी ऑस्टिन, और उसने बताया कि इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क लाइक आर यू विलिंग टू वर्क 16 आवर्स, मतलब 8 घंटे का ये दिस इज द 8 आवर्स
यूजुअल टाइम, यू नो, वर्क आवर्स, 1/3 ऑफ 24. ही इज आस्किंग 2/3, डू यू हैव द कैपेसिटी टू वर्क 16 आवर्स? दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड. एंड देन द सेकेंड वन वॉज, आर यू रेडी टू स्लीप ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर? तो आगे वो इंटरव्यू चला. मतलब उनके दिमाग में सबसे पहले वो बिठाया गया कि तुम अगर यहाँ पे आए हो कि मैं 8 घंटा, 8 से 5 करके मैं तो निकल जाऊंगा. एंड देर आर पीपल हु आर लाइक, ओ द वर्किंग आवर्स आर क्रेजी, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क देयर. बट दिस, सी दिस इज वॉट दे आर टेलिंग, फिजिकल वाइटैलिटी इन इंडियन. मतलब मैं कमांडर हूँ, मैं लीडर हूँ, तो आई शुड बी द पर्सन टू बी द फर्स्ट एंड आई माइट बी द लास्ट पर्सन टू लीव. बिटवीन दैट डिफरेंट फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयज कैन कम एंड ऑल दैट, बट वेन दे, हूएवर इज देयर, ही ऑलवेज हैव मी. हम लोग कभी कभी हो जाते हैं यार, 2-3 घंटे हो गए, कहाँ चला गया हमारा लीडर, लाइक यू नो सुपरवाइजर, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं एंड ही इज सपोज टू टेक अ डिसीजन. तो इफ ही इज अवे और इफ ही टेक्स ऑफ, इट लाइक हम लोग, इफ एनी एम्प्लॉय इज टेकिंग ऑफ डजंट मैटर, बट इफ अ मैनेजर इज टेकिंग ऑफ, ऑफकोर्स यू नो व्हेन इट्स अ वेकेशन टाइम एंड ऑल दैट, वी आर ऑल ओके. वी ही टेल्स अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, 1 महीना पहले कि मेरा ये वेकेशन है. तो यू नो यू, ही विल गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द थिंग्स शुड नॉट हैंडल. एंड नो मैटर वॉट, कहाँ पर भी वेकेशन जाओ, दे डोंट हैव एन एक्सक्यूज, दे ऑलवेज हैव टू बी कनेक्टेड, नो मैटर वॉट, वेर एवर. सो दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड, फिजिकल वाइटैलिटी, एंड्यूरेंस, विदस्टैंडिंग, टू विदस्टैंड द हार्डशिप टू विच यू एंड योर मेन आर सब्जेक्ट. जब मैं ही करूंगी तो मैं दूसरों से पूछ पाऊंगी ना, और आप कर पाओ या नहीं करो, मैं लीड कर रही हूँ तो मुझ में तो सब कार्यक्षमता तो होनी ही चाहिए. डॉन्टलेस स्पिरिट दैट एनेबल्स यू नॉट ओनली टू एक्सेप्ट देम चीयरफुली बट टू मिनिमाइज देयर मैग्निट्यूड टू. मतलब, और मेरे में चीयरफुलनेस होना चाहिए. अगर मैं चेयरफुलनेस रहूंगी तो मैं बोलेंगे चलो यार एक और 15 मिनट कर लेते हैं, यू नो. बट ना मैं बोले, अगर मैं, मुझे को लगेगा मैं घड़ी 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 देख रही हूँ समथिंग, तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ टाइम हो गया है करके. सो दैट एक चेयरफुलनेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एंड्यूरेंस. मतलब जो एक चेयरफुल लीडर होता है ना, उसके साथ बोलते हैं 8 घंटे 10 घंटे भी होते हैं तो पता नहीं चलते. और जो एक टेम्परमेंट लीडर होता है ना, ओए राम, उसके साथ 4 घंटे भी 8 घंटे की तरह लगते हैं लिटरली. डज एनीवन हैव अ शेयरिंग अबाउट योर वर्क कल्चर या एट योर पर्सनल लेवल? आई वुड लाइक यू टू कम एंड शेयर समथिंग ऑन दिस पार्ट. प्रिया, प्रीति, शिवानी, सब सो गए क्या? नहीं, मैं एक्चुअली ये चंदन मैं जी, मैं ना सोच रही ड्राइव हूँ. कर मैं ड्राइव कर रही हूँ. मेरे यहाँ वर्क कल्चर इज वेरी टफ. मतलब हमारे यहाँ बिकॉज इट्स अ बिग, वेरी बिग हॉस्पिटल, सो आर वॉल्यूम्स आर वेरी हाई. तो मेरा यू नो लाइक देर आर पीपल इन माई ग्रुप हु आर स्टिल वेरी एफिशिएंट. यू नो दे फॉर देम इट इज रियली ओनली अ 8 to 5 जॉब. दे कम एंड दे लीव. देर पीपल हु कैन फिनिश लाइक रियली लाइक हाई वॉल्यूम्स एंड वेरी लिटल टाइम. लेकिन यू नो आज मैं, अभी आप जब बता रहे थे, आई रियलाइज की लाइक यू नो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर फर्स्ट टू कम लास्ट टू लीव. एंड आई ऑलवेज टुक इट एज अ नेगेटिव थिंग. मेरे को लगता था इट इज बिकॉज आई एम स्लो, यू नो आई टेक सो मच टाइम. बट ऑल पीपल ऑल्सो नो आई एम वेरी लाइक थॉरो. तो एंड आई एम रियलाइजिंग की इट्स ऑलवेज नॉट बैड. ठीक है, यू नो आई प्रोबेबली पुट इन लिटिल बिट मोर वर्क देन अदर पीपल एंड टाइम, बट देन एटलीस्ट लाइक यू नो आई फील सेटिस्फाइड एवरी टाइम आई गो बैक होम. तो मे बी लाइक इट इज इट्स नॉट अ बैड एट्रीब्यूट, इट्स अ गुड एट्रीब्यूट दैट इवन इफ आई एम स्लोअर बट एटलीस्ट आई एम
फुली डिवोटेड एंड आई डू माय वर्क सिंसियरली. हैव यू व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप यू हैव सीन एंड गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रीति जी इफ यू आर गिवन अ लाइक चांस लीडरशिप, यू नो, लाइक who would you go and work for like of all your work time what is it that one leader you want to work with him what is the quality of that leader so you know, both the people who are like head of my group, they are both way younger than I am, like, you know, and they are like, one of them is almost like 10 years younger to me, but I'm literally amazed at how smart he is. Like, you know, he can do multiple things at one time. Like he has no procrastination. His brain works so fast. Like, he can think of multiple things at one time. You know, I may forget something and he will not forget it. Like, वो एक मैं उसको जैसे कुछ बोलूंगी ना, दिस इज अ प्रॉब्लम, he will immediately, in a fraction of a second, he will either, you know, order his, like, you know, phone to call somebody, or he will text somebody, or he will just pick up his phone. Oh, he resolves matters right away. Procrastination zero. And not only that, like, he will go an extra step and think things that I cannot foresee. Like, you know, agar ye problem hai, toh not only he will resolve it, he will also like go and figure out two more things, like, you know, which he thinks will be additionally needed to find a perfect solution. So, you know, that's the kind of leader I want to be honest. Yeah, and it is actually he. I'm sure he must be inspiring employees to do their give their best, right? Yeah, like, he's always a good listener. He's an extremely good pathologist. Like, he's also like extremely knowledgeable and like one of our smartest people in the group. I mean, it's just amazing to see how he works. So See, it's that's great. what as Preeti ji said, like you look forward to talk to him, or when you talk to him, it's an honor, right? Because where that honor is coming from, definitely a not just because वो टैग लगा हुआ है, ही इज अ मैनेजर करके, राइट? इट इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम हिज ड्यूटी, द वे ही हैज हैंडल थिंग्स, वे ही इज अवेलेबल टू यू. And the quickness of the things he turn around and all that. So that is what is needed. We all like are sticking. Once we are in Alifia's class, we are sticking to her. मैंने अभी उनकी जो अश्विन मैम है, शायद एक या दो बार ही मैंने अटेंड किए, बिकॉज वो इंडिया टाइम सुबह की होती है, तो मेरे शाम वो somehow it doesn't work out with my office time. तो मैं नहीं अटेंड कर पाई, हालांकि सब लोग बोलते हैं राजन सर, शिवा और अश्विन मैम, उनका काफी जिक्र हो करती थी मैम, और बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ माय ऑफिस टाइम. बट नो मैटर व्हाट, अब जब से अलीफिया का क्लास है, आई डोंट फील लाइक अटेंडिंग एनी अदर क्लास. इनफैक्ट आई यूज टू अटेंड मोर लॉट ऑफ अदर माई स्पिरिचुअल ग्रुप क्लासेस एंड ऑल दैट, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, शी इज उनका एक अलीफिया का एक जो न्योछावर, हर हर गोइंग डीप इनटू द नॉलेज, मतलब अगर इफ शी इज कमांडिंग, तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, एंड शी सेड मैं बंद कर दूंगी, दैट शी हैज डन फार मोर होमवर्क देन शी इज कमांडिंग दैट फ्रॉम अस. अगर वो खुद का होमवर्क नहीं किए, वो बोलती थी मैंने क्या है तुम ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, मैं तो लिखने चालू करते तो 100 और पेजेस भर जाती है मेरी ग्रेटिट्यूड. मैं सोचती कैसे लिखते, वो लिख रही है तभी हमको वो दिशा दिखा पा रही है, कि वो हमको खींच पा रही है कि करो 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 करके. सो दैट्स हाउ वी आर ऑल जस्ट मतलब मेरे लिए 6 बजे से पहले उठना वॉज इम्पॉसिबल, बट देन इट्स बिकॉज ऑफ मेंटर लाइक हर आई एम एबल टू गेट अप नो मैटर व्हाट व्हेन आई स्लीप सो आई विल एंड इट हियर इट्स 6:13, बट आज
स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश की, तो आई हैव शेयर्ड दैट सॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू सिंग दैट सॉन्ग. आई एम नॉट गुड इन मेडिटेशन और ऑल दैट, बट आई थॉट हम एक इस ये मेरे को ये गाने में एक लीडरशिप का गांधी जी के बारे में है, बट कैसे उन्होंने जैसे एज आई सेड देर आर टू काइंड ऑफ लीडरशिप, हिटलर एंड गांधी जी, तो हाउ थ्रू हिज मेंटल नॉलेज एंड हिज सेल्फ एंड्यूरेंस, हिज लॉन्ग लास्टिंग एंड स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ही लीड द कंट्री टू गेट द इंडिपेंडेंस विच वी नीडेड. और इट वॉज नॉट इजी, 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स रूलिंग, उनको खुद से गिल्ट करवा के उनको छुड़वाया. दे फेल्ट गिल्ट कि नाउ इट इज टाइम. वो बोले ठीक है तुम जीतो, तुमको जो करना है करो, बट मेरा ये एक है और मैं उसके लिए आई विल कीप ऑन आस्किंग यू, कब मुझे आजादी दोगे, कब मुझे आजादी दोगे. सो आई जस्ट सिंग दैट सॉन्ग एंड इफ यू ऑल कैन ज्वाइन विथ मी दैट वुड बी अमेजिंग. आई हैव सेंड दैट लिंक. हम सब वहां से आए हुए हैं, आई ओ अ ग्रेट टू दिस कंट्री ऑफ ग्रेट कल्चर. ऑल्दो आई हैव बिकम द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट दिल से हरदम मैं हिंदुस्तानी रहूंगी. और हिंदुस्तान नहीं, मेरे लिए हर एक मुल्क अपनी जगह सही है और आई विल फॉलो नॉन वायलेंस नो मैटर व्हाट. आई डोंट बिलीव इन अभी जो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, इट्स इट शोज दैट इट इज दैट लीडर रिजाइंड. शेख हसीना और वॉट एवर थी, शी रिजाइंड, शी वॉज अनेबल टू लीड. सो इट्स अ बैड लीडरशिप जो भी हो रहा है. पीपल आर एट दिस एट दिस एरा वेयर वी हैव सो मच लॉ, लेबर लॉ, ह्यूमन लॉज. सो फ्रीडम इज अ वेरी 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 प्रेशियस थिंग. सो सबसे पहले थैंक यू लॉर्ड, वी आर लिविंग इन अ नेशन वेयर वी हैव द फ्रीडम टू स्पीक वॉट वी वॉन्ट, वी हैव द फ्रीडम टू लिव, वी हैव द फ्रीडम टू गो वेर एवर वी वॉन्ट, वी हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट, एंड एज फार एज वी आर कीपिंग, अभी बांग्लादेश में भी फ्रीडम लोगों ने लिया है, जो अपने मन में आए कर रहे हैं, किसी का नुकसान हो रहा है, कोई स्टॉप नहीं कर रहा है. तो थैंकफुली भगवान हमको, आपने मुझे हमें ये ज्ञान दिया है कि फ्रीडम हमको दिया है, साहस दिया है, और हम उसका बुरा यूज नहीं कर रहे हैं, और वी आर यूजिंग दैट नॉलेज एंड फ्रीडम फॉर द राइट थिंग्स. एंड वी प्रे टू द लॉर्ड दैट ऑलवेज गिव अस द करेज, फियरलेसनेस, एंड वी यूज दिस फ्रीडम टू अपलिफ्ट आवर फैमिली, आर कंट्री, आर कम्युनिटी, एंड यूज इट इन द गुड सेंस. एंड आई स्टार्ट द सॉन्ग. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने आ जब ढंग की लड़ाई, दागी न कही बंदूक तोप ना तोप बंदूक ना बंदूक जलाई, जलाई,
दुश्मन दुश्मन के किले देखी पर भी ना तुमने ले चढ़ाई, भाई वाह रे फकीर पसीद पकड़ा छूट मात गवाई दिखाई, चुटकी चुटकी में दुश्मनों में को दुश्मनों दिया को देश दिया से निकाल, देश से साबरमती के संत तूने कर दिया निकाल कमाल, दे साबरमती दी हमें आजादी बिना का घड़ी बिना डगर प्यार, दाल साबरमती साबरमती के संत तूने कर संत दिया तूने कर कमाल, रघुपति दिया राघव राजा, राजा शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था बैठा था जा जमाना, लगता था कि लगता था कि मुश्किल है मुश्किल फिरंगी को है हराना, हराना टक्कर थी टक्कर बड़े थी जोर की, बड़े सुख दुश्मन की भी था दुश्मन भी नाना, था पर ताना तू भी था तू बापू भी था बड़ा बापू बड़ा उस्ताद उस्ताद पुराना, पुराना मारा मारा बाबू कस के दाव के उल्टी सभी उल्टी की साबरमती चाल, साबरमती के संत के तूने दास कर कर दिया कमा, दे दिया कमाई दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया तूने कर दिया कमा, रघुपति कमाल राघव राजा, आ जा जब जब तेरे बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल किसान पड़े, चल पड़े हिंदू हिंदू और और मुसलमान सिख मुसलमान पठान चल पड़े, फूलों की सेज कदमों छोड़ के दौड़े पे तेरे जवाहरलाल, सा धरती के कदम कोने कदमों कोने पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की छेड़ सेज छोड़ के दौड़े तोड़े जवाहरलाल, तूने साबरमती के संत तूने कर दिया कमा, कर दे दी हमें दी आजादी बिना हमें खड़ग बिना ढाल, आजादी साबरमती के संत तूने कर दिया बिना कमाल, रघुपति राघव राजा राम, मन में भी अहिंसा की लगन, लगन तन पे लंगेटी लंगो तन पे लंगोटी, लाखों में घूम तालियां सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी चोटी, लेकिन तुझे झुकती थी लेकिन हिमालय तुझे झुकती थी हिमालय की भी छोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन किया तूने पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा मांगा न तो कोई तख्त ना कोई ताज भी कोई लिया, अमृत दिया ताज सभी को मगर मगर कुछ हर पिया, जिस जिस दिन तेरी दिन चिता जली रोया जली था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया रघुपति कमाल, रघुपति राघव राजा। राजा थैंक यू टू ऑल आवर लीडर, नॉट जस्ट महात्मा गांधी, ऑल लीडर्स हु ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई।
और तब कहीं आके हमें ये आजादी मिली। एंड दिस इज वी आर इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट सैकड़ों साल पहले ये आजादी की लड़ाई चली है। और हम अपने लाइफ में भी हम कोई ना कोई फ्रीडम की आस्था रखते हैं। भगवान हमें इस फ्रीडम के भागीदारी बनाओ, और हमें हम ताकि हमारे अंदर जो भी लोग हो, हम उनको कंट्रोल फियर से ना करें, हम उनको फ्रीडम से उनको लीड कर पाए। ये हमें ऐसी दृष्टि और हमें ऐसी क्षमता प्रदान करें। यही मेरी प्रार्थना हम सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच। एंड मिच्छामि दुक्कड़म, एंड आई एम सॉरी इफ आई वाज इफ आई डिड नॉट हेल्प इट प्रॉपरली। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज हियर। आई एम एंडिंग एट पेज 379। थैंक यू थैंक एवरी यू वन, शिवानी, चंदन जी, या प्रीति, थैंक यू, जागृति इट वाज रियली एंड ग्रेट, चंदन। इट वाज अवेसम, यू थैंक यू सो मच, अमेजिंग। थैंक यू हम लोग सब आराम स्पेशल। से आपको सुन ही रहे थे, सो यू डिड रियली गुड। या थैंक वेलकम, यू चंदन थैंक जी, यू, एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंगिंग। थैंक यू। ओ थैंक यू वेरी मच। छाया जी, आई नो छाया जी, आपसे माफी चाहती हूँ। मैं आई शुड हैव डन माय होमवर्क। कुछ कुछ वर्ड्स का मुझे मीनिंग देख लेना चाहिए था, पर मैं हिंदी में ठीक से अगर नहीं कर पाई तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई वॉज नॉट नहीं फिट नहीं फॉर। अच्छे लिया है, जब नहीं समझेगा तो मैं वापिस पूछेगी, कर ऐसा कुछ नहीं। थैंक ठीक है, तो कल हम यू लीड थैंक करेंगे। और छाया जी, कल का ग्रेटिट्यूड प्रेयर आप करेंगे प्लीज। प्लीज, नहीं मैं चाहती हूँ आप करें ग्रेटिट्यूड प्रेयर। ठीक है, कोई हिंदी उतना नहीं आता है ना। बात नहीं छाया जी, हम सब सीख ही रहे हैं और एक दूसरों को हेल्प कर रहे हैं ना। मैं कहाँ ओके ओके है। ओके ओके, वील ऑल हेल्प। ओके ओके, या एंड ईच वन ऑफ यू प्लीज, प्रीति जी, प्रिया जी, जागृति जी, शिवानी जी, ईच वन ऑफ यू, आई वांट यू टू कम विद शेयरिंग विद टू एक्सट्रीम काइंड ऑफ लीडरशिप, जस्ट सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। एक्सट्रीम काइंड ऑफ लीडरशिप इफ यू कम, जैसे मैंने आज हिटलर और गांधी जी के बारे में बताया, सो इफ यू कैन कम अक्रॉस इन योर ओन लाइफ, विच वी डोंट हैव टू नो, बट यू डोंट हैव टू टेक एनी नेम्स, बट जस्ट टू काइंड ऑफ लीडरशिप दैट जो हु हैव इंस्पायर्ड यू एंड हु हैज मेड यू फियरफुल एंड यू वॉन्ट टू रन अवे, यू कैन थिंक अबाउट इट, दैट विल पुट मेक दिस क्लास मोर इंटरेस्टिंग टू मोर। सो आई वुड लाइक टू हैव मोर शेयरिंग टू मोर। ओके, ठीक है, श्योर श्योर, थैंक यू वेरी ओके, मच थैंक ऑल। यू सो मच, या